वेलकम यू बैक ऑन माय YouTube चैनल सी टेट गुरु कंपटीशन जोन। फ्रेंड्स, मैं हाजिर हूं लेकर आप लोगों के लिए ओपनिंग सेशन, जिस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th अर्थात कि मैट्रिक एग्जाम की वो चॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि आपके लिए है मस्ट इंपॉर्टेंट। इसलिए फ्रेंड्स, इस सेशन में आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहे। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर चाहते हैं आप अपने एग्जाम में बेहतर करना तो ये चैनल आपको देगा कंप्लीट प्रिपरेशन, वो सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपके एग्जाम के लिए है बेहतरीन। इसलिए फ्रेंड्स, इस सेशन में कंटिन्यू आप हमारे साथ बने रहें एवं सभी टॉपिक्स को क्लियर करें। अगर किसी पॉइंट पे अगर डाउट हो, अगर किसी भी बुक से अगर कोई पॉइंट अगर आपको लगता हो कि आपके लिए डाउटफुल है तो उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए आप हमें कमेंट्स करें। मैं आपको अगले सेक्शन में अर्थात अगले क्लास में मैं आपकी सभी पॉइंट क्लियर कर दूंगा। फ्रेंड्स, आज का जो सेशन स्पेशली है वह आपका तत्वों के वर्गीकरण के बारे में है, जिस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लोग आज की क्लास में देखने वाले हैं। पिछले क्लास में टॉप 7 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखा था, आज उसके आगे के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए प्लीज आप हमारे सेशन में कंटिन्यू फॉर्म में बने रहे। अगर अब तक आपने बेल आइकन क्लिक नहीं किया हो तो प्लीज बेल आइकन क्लिक कर लीजिए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमारे पास लिंक नहीं मिल पाया जिनके वजह से लाइव क्लासेस ज्वाइन नहीं कर पाए, तो इसलिए अगर बेल आइकन क्लिक करते हैं तो जैसे क्लास स्टार्ट होगी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आपके फोन पे चला जाएगा और जिस समय क्लास स्टार्ट होगी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसलिए प्लीज आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। आइए फ्रेंड्स, बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का ऑब्जेक्टिव क्विज का इवनिंग सेशन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल सेटेड गुरु कंपटीशन जोन। फ्रेंड्स, मैं हाजिर हूँ लेकर आप लोग के लिए आज का इवनिंग सेशन। फ्रेंड्स, इस सेशन में हम लोग देख रहे हैं अभी ऑब्जेक्टिव क्विज को देख रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्विज में स्पेशली हम लोग जो चैप्टर देख रहे हैं वो हमारा तत्वों का वर्गीकरण। ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं, इसलिए क्वेश्चन के इस सीरीज को आपको देखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स भी आए थे कि सर मैं लाइव सेशन ज्वाइन नहीं कर पा रही हूँ, ये बाद में मतलब कि ज्वाइन मैं कर लूँगी या फिर बाद की क्लासेस में मैं देख लूँगी। अच्छी बात है, जो स्टूडेंट को अगर टाइम नहीं मिल पाता है शेड्यूल टाइम पर, आपका 6 बजे का शेड्यूल टाइम है, अगर उस टाइम पर आप लोग अगर नहीं पहुँच पाते हैं तो आप हमें अगर 2-4-10 स्टूडेंट अगर कमेंट्स भी करते अगर एक साथ, अगर लगता है कि आप लोग को 6 बजे के टाइमिंग अगर प्रॉपर नहीं है तो आप लोग जिस समय का टाइमिंग बताएंगे उसके अकॉर्डिंग मैं आपके अरेंज कर सकता हूँ। अदरवाइज दूसरा ऑप्शन ये भी है कि आप अगर बाद में देखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, आप बाद में भी चाहे तो देख सकते हैं। मेरा मतलब है कि आपकी सुविधा के अकॉर्डिंग जो भी क्लासेस से अवेलेबल कराना। अब देखना यह है कि कौन से पॉइंट किस वे में आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा वो देखना आपका काम है, ठीक है। आप जिस फॉर्म में आप कहेंगे उस रूप में मैं जितना ज़्यादा हो सके मैं आपकी हेल्प करने के लिए हूँ। अदरवाइज जितना आपको चाहिए वो देख लीजिए कि आप किस फॉर्म में कर सकते हैं प्रिपरेशन, आपके लिए बेटर जो होगा वो चीज़ आप जरूर करें। क्लियर है फ्रेंड्स? अर्थात क्या कि आप अगर लाइव सेशन में जुड़ते हैं तो 2-3 फायदे जो होते हैं वो आपका परफेक्टली होता है। फर्स्ट नंबर चीज़ है कि तो लाइव सेशन में आप फटाफट आंसर करते रहते, तो इससे ये होता है कि आपका क्या होता है कि थोड़ा सा स्पीड भी मेंटेन होता है, फर्स्ट चीज। दूसरी क्या है कि आप उस समय जब आप क्लासेस ले रहे होते हैं अर्थात कि लाइव सेशन में, तो कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट्स करते हैं, तो लाइव चैट में हम क्या कहते हैं हैंड टू हैंड क्लियर कर देते हैं। दो बातें हुई, तो इन चीज़ों के लिए आपको तो लाइव सेशन ही ज्वाइन करना पड़ेगा। लाइव सेशन का टाइमिंग तो 6 PM फिक्स है। अगर आप चाहते हैं कि टाइमिंग चेंज करें तो अगर आप लोग की अगर ज़्यादा स्टूडेंट की अगर मेजोरिटी होगी तो लाइव टाइम का भी चेंजेस करेंगे, क्योंकि लाइव सेशन में मैं भी देख रहा हूँ कि कुछ स्टूडेंट कम आ रहे हैं और कुछ स्टूडेंट ने कमेंट्स भी किया है, तो हो सकता है कि टाइम आपके प्रिपरेशन की वजह से थोड़ी सी कम मिल पा रही हो, तो कोई बात नहीं। अगर बाद में आप देख लेते हैं तो भी सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ शाम तक तो आपके 50 स्टूडेंट देख ही लेते हैं। तो ये चीज़ें हैं, अगर आप बाद में भी देखना चाहें तो कोई बात नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिए कि लाइव सेशन में ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इंटरेक्ट हो सके। क्लियर है फ्रेंड्स? अभी तक 17 तक टोटल क्वेश्चन सब लोगों ने देखा था,
ठीक है, अब देखने की बारी है क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक के। ठीक है, आज के सेशन में हम लोग कवर करेंगे 18 से लेकर 30 तक के सभी क्वेश्चंस को आज के सेशन में देखने वाले हैं। इसलिए फ्रेंड्स फटाफट अपने सभी फ्रेंड्स को एक बार शेयर कर दीजिए। जो भी स्टूडेंट लाइव सेशन में जुड़ना चाहते हैं एक बार उन्हें आप लिंक शेयर कर दें एवं सभी को इन्फॉर्म कर दें कि क्लासेस अब स्टार्ट होने वाली है। और बिना लेट किए स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स आज का सेशन। अगर सेशन को अब तक आपने लाइक नहीं किया हो तो प्लीज लाइक बटन जरूर क्लिक कर दें, और साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हो तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर कंपटीशन या फिर आपका मैट्रिक या किसी भी तरह के किसी एग्जाम की अगर प्रिपरेशन करते हैं तो ऑल इन वन एक ही चैनल है आपका, वो है आपका सीटेट गुरु कंपटीशन जोन। फ्रेंड्स ऑल इन वन मतलब कि आप एकेडमिक से लेकर कंपटीशन तक, जीरो से लेकर हायर लेवल तक अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इस चैनल पे वो सारी सुविधाएं अवेलेबल है, आप ये सारी सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। सुबह 9 बजे कंपटीशन बैच और आपका शाम के 6 बजे एकेडमिक बैच आता है। आइए फ्रेंड्स बिना लेट किए स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। एक बार थम्सअप कर दीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं फटाफट, बिना लेट किए हुए क्वेश्चन नंबर 18। बताओ फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर किसने कहा कि तत्वों की मूल गुणधर्म उनके परमाणु संख्या है न कि परमाणु द्रव्यमान। अर्थात कि मूल धर्म के आधार पर ही परमाणु संख्या के आधार पर आपका वर्गीकरण किया गया। पहले क्या था, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। अब आपको बताना है कि किसने सबसे पहले बताया था कि परमाणु संख्या है वही उसका मूल धर्म है, परमाणु द्रव्यमान नहीं। फटाफट आंसर कीजिए फ्रेंड्स। जितना ज्यादा हो सके फटाफट, जितना जल्दी आंसर करेंगे उतना बेहतर होगा, समझाने का उतना ज्यादा टाइमिंग हमें मिल पाएगा, इसलिए फटाफट आप आंसर करेंगे। और फ्रेंड्स के सही जवाब की अगर बात करें तो सही जवाब है फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर बी, मोसले ने। मैंने बताया था कि मेंडलीफ ने आवर्त सारणी बनाया था आधुनिक फॉर्म में, लेकिन इसके विस्तृत किसने किया था, मोसले ने किया था। क्लियर है फ्रेंड्स, इसलिए ये इन्होंने ही क्लियर किया था कि परमाणु संख्या जो है परमाणु द्रव्यमान की अपेक्षा जो गुणधर्म है वह मूल है। ठीक है, क्योंकि मोजले के हिसाब से जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो कभी चेंजेज नहीं होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंजेज नहीं होते हैं, सॉरी प्रोटॉन। उसके बाद जो प्रोटॉन की संख्या होती है उनकी परमाणु संख्या के बराबर होती है। परमाणु द्रव्यमान न्यूट्रॉन के कारण घटता या बढ़ सकता है, जबकि न्यूट्रॉन का जो आपका चार्ज है वो कुछ भी नहीं होता है, अर्थात चार्जलेस होता है ना, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और ना ही निगेटिव चार्ज होता है, अर्थात कि चार्जलेस होता है। इस फॉर्म में उन्होंने कहा कि आपका परमाणु द्रव्यमान जो है वह ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रखता है, बल्कि परमाणु संख्या ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अर्थात कह सकते हैं कि मूल गुणधर्म में अगर देखा जाए तो आपका मोसले ने बताया कि परमाणु संख्या ही क्या जी मूल गुणधर्म के रूप में आता है। आशा फ्रेंड्स क्लियर हो गया होगा, किसी को डाउट नहीं होगा इस पॉइंट में। चलिए अगर डाउट नहीं तो फ्रेंड्स देखते हैं अगले पॉइंट की तरफ। और अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है जरा गौर कीजिएगा। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म, फटाफट बताइए फ्रेंड्स। पूछने का क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज हो गया है, नॉर्मल क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा सा क्या हो गया बदल गया, और क्वेश्चन का तरीका बदलते ही आपके दिमाग में चल जाता है भाई ये क्वेश्चन कहाँ से कर दिया गया। तो ऐसा दिमाग में नहीं रखें, माइंड मेकअप बिल्कुल नॉर्मल वे से रखें कि आपका क्वेश्चन कोई भी आएगा जो पढ़े हैं कॉन्सेप्ट से बाहर के क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। ठीक है, अगर इसके सही आंसर की बात करें फ्रेंड्स तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, परमाणु संख्या का आवर्त फलन। अभी हमने बताया था फ्रेंड्स कि अभी जो मेन गुणधर्म कौन है आपका, वह आपका परमाणु संख्या है, जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात की जाती है। तो इसलिए आपका पिछले क्वेश्चन कोई पूछने का जो है तरीका थोड़ा सा चेंज कर दिया, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का मेन गुणधर्म। अभी पीछे में क्या देखा था कि किसने कहा था कि तत्वों का गुणधर्म परमाणु संख्या जो है परमाणु धर्म से ज्यादा महत्व रखता है, और अभी कह दिया कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म कौन सा है, तो ऑब्वियसली सी बात है परमाणु संख्या ही होगी। बताओ फ्रेंड्स क्लियर है कि नहीं, अर्थात कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जितने किसी तत्व में प्रोटॉनों की संख्या होती है उतनी ही उसकी परमाणु संख्या कही जाती है।
क्योंकि प्रोटॉन जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, केंद्रक में पाया जाता है, और केंद्रक के अंदर एक और मटेरियल पाया जाता है, वह न्यूट्रॉन। लेकिन न्यूट्रॉन के नंबर किसी में अधिक हो सकते हैं, किसी में कम हो सकते हैं, इसलिए उनका ज़्यादा इंपोर्टेंस नहीं रखा जाता। अर्थात कि जो चीज़ें आपकी नहीं बदलती है उन्हीं की अस्तित्व रहती है। अगर आप अपने अंदर को, अपने आप को शिथिल बना के रखेंगे तभी आपके पास एक यूनिकनेस, एक अलग पहचान आपकी बनेगी। आप अपने अंदर चेंजेस करते रहेंगे तो आपकी कोई भी पहचान अस्थायी रूप से नहीं रह पाएगी। इसलिए प्लीज फ्रेंड्स, आप अपने पहचान को बनाए रखिए और इसके लिए अपने अंदर अस्थायित्व बना के रखिए। देखते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं ओर जाने पर परमाणु साइज क्या होगा? बाएं से दाएं ओर जाने पर परमाणु का आकार में क्या चांसेस आने वाला है? फटाफट आप बताएंगे। फटाफट आंसर करें फ्रेंड्स कि बाएं से अगर दाएं जाते हैं तो क्या चांसेस आपको दिखने वाले हैं। थोड़ा जल्दी करें फ्रेंड्स आंसर। और इसके सही आंसर की बात करें फ्रेंड्स तो इसका सही आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी है, घटता है। अर्थात क्या परमाणु साइज आपका बाएं से दाएं जाने पर घटता है। जरा गौर कीजिएगा ये क्यों कहता है, इसके बारे में हमने बताया था आपको कि जैसे मान लीजिए कि यहां से अगर बढ़िएगा सोडियम, ठीक है, सोडियम वाले लाइन में, इसके लिए मैं ले चलता हूं आपको एक ही बार पीरियोडिक टेबल पे, मैंने समझाया था। देखिएगा जरा गौर कीजिएगा फ्रेंड्स, यहां पर जो दे रहा है आपका, यहां पर देखिए आपका दे रहा है आपका, यहां पर सोडियम से शुरू करते हैं, ठीक है, सोडियम से जरा गौर कीजिएगा। यहां पे ये सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, ठीक है। अब क्या होगा कि बाएं से दाएं जाने पर कहता है कि आपका साइज घटेगा। जरा गौर कीजिएगा कि आपका सोडियम जो है, आपका सोडियम, सोडियम के अंदर आपकी टोटल सेल की संख्या की अगर बात करेंगे आप तो टोटल सेल कितने होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम की बात कीजिएगा तो यहाँ भी आपको कितने दिखने वाले हैं, 3 दिखने वाले हैं, ठीक है। एल्युमिनियम के पास जाइएगा तो यहाँ भी आपको कितना दिखने वाला है, 3 दिखने वाला है। आप अगर सिलिकॉन की बात कीजिएगा तो यहाँ भी कितना दिखेगा आपको, 3 ही दिखेगा। क्लियर डिफरेंस? तो यह आपका धीरे धीरे क्या होगा कि यह साइज घटते जाता है, जबकि तीनों में आपका साइज एक ही जैसा है चारों में। तो अंतर क्या पड़ता है जरा सा वो गौर कीजिएगा। यहां पर जो केंद्रक के पास जो प्रोटॉन की संख्या वो 11 होती है, मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या, सॉरी प्रोटॉन की संख्या 12 होती है, यहां पर एल्युमिनियम में 13 होती है, और आपका सिलिकॉन में कितना होती है, 14 होती है। बताओ फ्रेंड्स, 3 ही आपके सेल है और तीनों सेल को बांधने के लिए एक जगह 11 आदमी अपनी तरफ खींच रहा है, एक जगह 12 आदमी खींच रहा है, और एक जगह पे 14 आदमी कर रहा है। बताओ फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा कौन ज्यादा पावरफुल तरीके से ज्यादा नजदीक खींच कर ला सकता है, बताओ फटाफट। ओबियसली सी बात है 14, क्योंकि 14 का पावर ज्यादा है, और 14 का पावर ज्यादा है तो ज्यादा पावर से आपका सेल को अपने अंदर नजदीक करेगा, और जब सेल छोटा हो जाएगा, पावर ज्यादा लगेगा, सेल छोटा हो जाएगा, सेल नजदीक आ जाएगा, तो ऑब्वियसली सी बात है कि नजदीक आने के बाद उनकी साइज छोटी हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? लेकिन वहीं पर जहां पे 11 पावर है उनकी अपेक्षा में अगर देखिएगा तो 12 वाले का भी कम हो जाएगा, 12 वाले का साइज थोड़ा सा 11 से कम होगा, 13 वाले का और कम, 14 वाले का और कम, 15 वाले का और कम। बात समझ में आ रही है? इस वजह से कहा जाता है कि बाएं से दाएं जाने पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते जाते हैं, लेकिन सेल की संख्या हमेशा बराबर रहती है, अर्थात कक्षा है तो बदलती नहीं है, जितनी कक्षा है उतना ही पहले भी से लेकर लास्ट तक भी रहती है। लेकिन क्या होता है कि अंदर प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा हो जाती है, जिनके वजह से ज्यादा पावर से वह आपके क्या करते हैं, सेल को अंदर खींचने की कोशिश करते हैं, जिनके वजह से उनकी साइज धीरे धीरे छोटी होती जाती है। बताओ फ्रेंड्स, क्लियर है कि नहीं? अगर किसी को डाउटफुल लगता है, कोई प्रॉब्लम लगती है तो पता है मुझे, कोई डाउट नहीं, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए।
क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए अगर क्लियर है तो अब लोग आते हैं फिर से देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स ये थे क्वेश्चन नंबर 20। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ 21 नंबर। 21 नंबर कह रहा है कि आपका वुल्फगांग डोबेराइनर किस देश से संबंधित है, कंट्री का नाम भी हमने बताया था, फटाफट बताइए फ्रेंड्स। आपको बताना है वुल्फगांग डोबेराइनर किस देश से संबंधित है जिन्होंने त्रिक नियम दिया था, अर्थात कि आवर्त सारणी में जो एलिमेंट है उनको सजाने के लिए त्रिक नियम दिया था जिनके अंदर तीन तीन पेयर करके हमने देखा था। आपको बताना है वो किस कंट्री से बिलोंग करने वाले हैं। और फ्रेंड्स के सही जवाब की अगर बात करें तो इसका सही जवाब जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी। कहाँ के थे फ्रेंड्स? डोबेराइनर जो थे वह जर्मनी कंट्री से बिलोंग करने वाले थे। क्लियर है फ्रेंड्स किसी को? ऑप्शन नंबर बी इसका जो है वह सही जवाब है। क्लियर? चलिए अगर क्लियर है तो देखते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, मेंडलीफ का जन्म कब हुआ था? मेंडलीफ का जन्म कब हुआ था? क्वेश्चन थोड़ी सी इनसे हिस्ट्री, इसके हिस्ट्री वाले पार्ट से जो कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ऐसे क्वेश्चन रखे हम कि क्वेश्चन अगर कोई डाउटफुल हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए तो ऐसे क्वेश्चन आपको लिए रहेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। फटाफट बताइए मेंडलीफ का जन्म कब हुआ था। और फिर इसके सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1834। मेंडलीफ का जन्म कब हुआ था? 1834 ईस्वी में। क्लियर फ्रेंड्स? जिन्होंने आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी की खोज की थी, इनका जन्म 1834 ईस्वी में हुआ था। क्लियर है सब किसी को? चलिए अगर क्लियर है फ्रेंड्स तो देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संगीत प्रणाली में, भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं जिनके आधार पर लगाए हुए थे न्यूलैंड्स ने अपना नियम बनाया था। आपको बताना है भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं। फटाफट कीजिए, जिसको याद होगा न्यूलैंड का नियम वो आसानी से कर सकता है आंसर, बिना सोचे बिना रुके फटाफट कर सकता है आंसर। नहीं तो जो म्यूजिक से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट होंगे उनके लिए बिजी होगा, फटाफट आंसर कीजिए, बताइए कौन इसका सही जवाब है। और फ्रेंड्स इसके सही जवाब की अगर बात करें तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी। सात सुर होते हैं लेकिन आठवें पे जाके फिर क्या होते हैं, मैच कर जाते हैं। इसी आधार पर नियम लगाया था किन्होंने? आपका अष्टक नियम लगाया था न्यूलैंड ने। उन्होंने कहा था सा रे ग म प द नी, ये हो गए सात, एक दो तीन चार पाँच छः और सात हो गया। उसके बाद क्या आएगा? फिर से सा आ जाएगा, यानी कि आठवां जो होगा पहले के अकॉर्डिंग मैच करेगा, अर्थात क्या सात शुरू हो गए और आठवां फिर शुरू से शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने अष्टक नियम लगाया था कि पहला और आठवें तत्व का गुण जो होगा एक दूसरे से मैच करेगा। तो इनमें जरा सा कन्फ्यूजन नहीं कीजिएगा, सात और आठ में सुर सात ही होते हैं, आठवां क्वालिटी जाके मैच कर जाता है पहले से, इसलिए सुरों की संख्या सिर्फ सात और आठवां फिर पहले के जैसा मैच्ड, इसलिए सुर सात ही होंगे। भारतीय संगीत प्रणाली में सुरों की संख्या कितनी? सात होगी। जिन्होंने भी आपका म्यूजिक से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट होंगे उनके लिए तो ज़्यादा ईजी होगा क्योंकि वो जानते होंगे म्यूजिक में, और थोड़ा सा म्यूजिक वाला डिपार्टमेंट हमारा शुरू से कमजोर है, इसलिए मैं सुनता जरूर हूँ लेकिन गाता नहीं हूँ, इसलिए मुझे ये नहीं पता कंप्लीटली, लेकिन ये इतना पता है कि सात सुर होते हैं
और अष्टक ने भी इस आपका सॉरी न्यूलैंड ने भी इसके बारे में चर्चा कर दिया था कि न्यूलैंड के अष्टक नियम में आपका क्या है कि सात असुर होते हैं और आठवां से फिर पहले के तत्वों के हिसाब से गुण मैचिंग करने वाले हैं। बताओ फ्रेंड्स, क्लियर है कि नहीं? और अक्सर आप लोग सुनते भी होंगे सात असुर। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए क्लियर है तो देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, जब मेंडलीप ने अपना कार्य आरंभ किया तब तक कितने तत्व ज्ञात थे, अर्थात कि मेंडलीप के आवर्त सारणी में जिस समय स्टार्ट किया था उस समय कितने आपके तत्वों की खोज हुई थी। जरा फटाफट आंसर करें, कोशिश करें कि जितना जल्दी हो सके आंसर कर पाए, क्योंकि ज्यादा लेट करेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत वाली बात होगी, इसलिए फटाफट आंसर करें आप लोग। और फ्रेंड्स के सही जवाब की अगर बात करें तो इसका सही जवाब जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी 63, अर्थात कि 63 तत्वों की खोज मेंडलीप की आवर्त सारणी को अरेंज करने के टाइम तक हो चुकी थी। इसे जरूर याद रखेंगे फ्रेंड्स, ऐसी टॉपिक आपकी पूछी जाती है, ठीक है? जैसे न्यूलैंड में पूछा था हम लोगों ने 56 की बात किया था, उसने 56 के बाद उन्होंने ऐसा कल्पना किया था कि 56 के बाद कोई और तत्व खोज ही नहीं होंगे, तो ऐसा कुछ कुछ बातें जो है वह इम्पोर्टेंट है, उसे याद रखना है। मेंडलीप तक 63 हो चुका था, न्यूलैंड की बात कीजिएगा तो 56 तक था, जबकि आप अगर बात कीजिएगा त्रिक वाले नियम तो उसमें कैल्शियम के बाद कोई फॉलो नहीं करता था। इस तरह से कुछ कुछ बातें थी जिन बातों को आपको याद रखना है। क्लियर है फ्रेंड्स? अर्थात क्या मेंडलीप जिस समय अपना कार्य प्रारंभ किए थे उन समय टोटल तत्व कितने खोज हुए थे, 63, और अभी कितने तत्व खोज हो चुके हैं जरा वो भी बता दीजिए। अरे बुक में जो दिया वही बता दीजिए आप डाटा कि कितना खोज हो चुका है अभी तक, तत्वों की संख्या टोटल फटाफट कीजिए आंसर। और फ्रेंड्स इसका सही जवाब जो होगा 118, अर्थात कि 118, राइट? क्लियर है फ्रेंड्स? किसी को किसी स्टूडेंट ने कल के क्लास में मैंने देखा था लास्ट टाइम में क्वेश्चन पूछा था बच्चे ने कि ये क्वेश्चन पूछना है। क्या होता है अक्सर फ्रेंड्स कि अगर क्लास का सेशन कंप्लीट हो जाएगा तो सेशन कंप्लीट होने के बाद रुकना थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि क्लास खत्म तो सेशन खत्म। इसलिए फ्रेंड्स इसी दौरान आप क्वेश्चन पूछ लीजिए या कमेंट्स में आप क्वेश्चन कर दीजिए, मैं अगले क्लास में उस चीज के बारे में डिस्कशन कर लूंगा। बात समझ आ रही है? आप लाइव चैट में या तो करें तो हम आपके चैट के थ्रू से आंसर क्लियर कर देंगे, अदरवाइज आप क्या करें कमेंट्स में डाल दें अपने क्वेश्चन को, मैं आंसर आपको कर दूंगा। अगर या फिर आप ग्रुप में शामिल है तो आप ग्रुप में आप अपने ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा, वहां पर भी मैं आपकी रिप्लाई कर दूंगा, या फिर मैं क्लास में भी उन बातों का मेंशन कर दूंगा। क्लियर डिफरेंस? क्योंकि सेशन कंप्लीट होगा उसके बाद वेट तो करना थोड़ी सी अलग बात है। बात समझ आ रही है आप लोग को? बहुत समझदार है आप लोग तो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर क्वेश्चन नंबर 25 की अगर बात करें हम लोग तो 25 कहता है आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु साइज से क्या पता चलता है, परमाणु साइज से क्या पता चलता है, फटाफट बताइए। ये तो नॉर्मल सी बातें हैं, ये सबको पता होगा परमाणु की साइज का क्या मतलब होता है, फटाफट बताइए फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स इसके सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, परमाणु की त्रिज्या की मालूम चलती है। परमाणु की त्रिज्या का मालूम चलने का क्या मतलब समझते हैं आप लोग? जैसे मान लीजिए कि यह आपका अगर परमाणु हो गया, ठीक है, और परमाणु की अगर साइज की चर्चा की जाए तो क्या होगा, परमाणु की साइज का मतलब यह केंद्रक से लेकर लास्ट पॉइंट तक के बीच की डिस्टेंस, यही तो पता चलता है कि आपका केंद्रक से लेकर अंतिम कक्षा उनके बीच की दूरी कितनी होगी, तो यह क्या मालूम चलेगा, यह हमारा क्या होगा, इसे ही तो हम लोग कहते हैं परमाणु की त्रिज्या। त्रिज्या का मतलब क्या, आपके केंद्रक से लेकर आपकी जो परिधि है उनके बीच की दूरी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, त्रिज्या के नाम से, और त्रिज्या ही हमें पता चलता है किसमें, परमाणु साइज वाले पार्ट में। बताओ फ्रेंड्स क्लियर है? एग्री क्लियर है?
क्लियर है सबको? वेरी गुड, अगर क्लियर है तो देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन अर्थात कि क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि 1 माइक्रोमीटर पिकोमीटर 1 पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है। पिकोमीटर, माइक्रोमीटर, ये सभी आपको याद करने की चीजें हैं, जरूर माइंड में रखेंगे। और फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 10^12 मीटर, अर्थात कि 10^-12 जिसे आप लोग कहते हैं, ये -12 पावर में कहते हैं, इसे यूनिवर्स के नाम से जानते हैं हम लोग, ठीक है। अर्थात क्या 1 पिकोमीटर जो होता है 1 मीटर का 1/10^12 भाग होता है, ये यूनिवर्स का मतलब 1/10^12, राइट। अब इतने के बराबर 1 पिकोमीटर माना जाता है। क्लियर है फ्रेंड्स? किसी को डाउट है तो बोलिए। चलिए अगर डाउट नहीं है तो फ्रेंड्स देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है जरा गौर कीजिए। किसी भी तत्व की संयोजकता कैसे निर्धारित की जाती है, ये इससे इजी क्या हो सकता है। संयोजकता का मतलब क्या होता है, किसी भी तत्व की संयोजकता कैसे निर्धारित की जाती है। फटाफट कीजिए आंसर फ्रेंड्स, सबसे इजी मोस्ट क्वेश्चन है आपका। जल्दी करें आंसर फटाफट आप लोग। और फ्रेंड्स इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अर्थात क्या है आपका संयोजकता क्या होता है कि बाहरी कक्षा में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन्स अंतिम कक्षा में होते हैं सबसे बाहरी कक्षा में, वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन समा क्या कहलाता है, संयोजकता कहलाती है। इसलिए डिपेंड किस पर करेगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। इसलिए आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। बाकी सेकेंड नंबर ऑप्शन में कह रहा है प्रोटोनों की संख्या, तो प्रोटोनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या पर कौन निर्भर करेगा, परमाणु भार, ठीक है। अर्थात कि परमाणु द्रव्यमान अगर बात करें तो वह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर डिपेंड करता है, लेकिन संयोजकता की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है। बताओ फ्रेंड्स क्लियर है कि नहीं क्लियर है, क्लियर है सबको? चलिए अगर किसी को डाउट नहीं है तो देखते हैं फ्रेंड्स। ये याद रखिएगा संयोजकता और संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजकता बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन्स हो और संयोजी इलेक्ट्रॉन जितनी अभिक्रिया में भाग ले। जैसे अगर बात करें तो संयोजकता की बात करें तो 3 और ये हो गए आपके 7। 7 मान लीजिए किसके हो गए, आपके आउटर मोस्ट सेल में होते हैं आपके क्लोरीन के, ठीक है। तो ये होगी संयोजकता हो गई, लेकिन संयोजी इलेक्ट्रॉन जो अभिक्रिया में भाग लेगी उनकी संख्या कितनी है, सिर्फ और सिर्फ 1। कितनी है फ्रेंड्स, सिर्फ 1, क्योंकि इसमें क्या होता है कि सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन भाग लेता है अभिक्रिया में, इसलिए इसके अंदर संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 और संयोजकता की बात करें तो 7 होगा। क्लियर है फ्रेंड्स सबको, जो अभिक्रिया में भाग ले उसे संयोजी इलेक्ट्रॉन, और संयोजकता का मतलब जिनके बाहरी कक्षा में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वह हमारा क्या कहलाएंगे, वह कहलाएंगे हमारी संयोजकता। बताओ फ्रेंड्स क्लियर है कि नहीं क्लियर है, क्लियर है, किसी को डाउट नहीं इसमें। चलिए वेरी गुड, अगर डाउट नहीं है तो देखते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है जरा गौर कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 28। अष्टक के नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया था, बताओ। ये कितना हलवा क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी मस्ट क्वेश्चन है, फटाफट आंसर कीजिए, जल्दी कीजिए आंसर। फटाफट बताइए फ्रेंड्स। और इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अर्थात क्या न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया था जो कि म्यूजिक के हिसाब से रखा था, साढ़े का मापा अभी हमने चर्चा किया था उसके बारे में। न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया था, डेबरन ने आपका त्रिक का नियम दिया था, ठीक है। मेंडलिफ जो थे आपके आधुनिक आवर्त सारणी की
बारे में चर्चा किया था। बताओ फ्रेंड्स, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो बोलिए। किसी को डाउट नहीं है? चलिए फ्रेंड्स, अगर डाउट नहीं है तो देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 अर्थात कि सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। मेंडलीव की आवर्ती नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म इनमें से किसकी आवर्ति का फलन है? क्वेश्चन या रिपीटेशन है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देकर आंसर दीजिएगा, गड़बड़ नहीं कीजिएगा इसमें। फटाफट आंसर कीजिए। मैं चाहता हूं कि क्वेश्चन आपके सेशन में ही याद हो जाए, जो टॉपिक हो यहीं पर याद हो जाए, आपको बाद में याद करने की रटने की कोई आवश्यकता नहीं पड़े। इसलिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैं क्वेश्चन को अरेंज करा ताकि आपका सारा क्वेश्चन, सभी पॉइंट आपका यहीं पे क्लियर हो जाए। बताओ फ्रेंड्स इसका सही जवाब। और फ्रेंड्स के सही जवाब की अगर बात करें तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मेंडलीव के आवर्त नियम किनके आवर्ती फलन है, जो कि आपका गलत जवाब है। राइट, इसकी सही जवाब फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए है, परमाणु संख्या। मेंडलीव जो आवर्ती नियम दिया था, आवर्ती नियम परमाणु संख्या के आधार पर कार्य करता है, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर बिल्कुल भी नहीं। क्लियर है फ्रेंड्स? इसलिए आप इस चीज को जरा ध्यान रखिएगा, गौर करके आप आंसर करेंगे। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए फ्रेंड्स, अगर क्लियर है तो देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 और इस सेट का आखिरी क्वेश्चन। मेंडलीव ने तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में वर्गीकृत किया था? आ गया फ्रेंड्स, किसके अनुसार क्रम में सजाया था? अब तो डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में किया था। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान नहीं, परमाणु संख्या के। ठीक है, परमाणु संख्या के अरेंजमेंट के हिसाब से उन्होंने क्या किया था, तत्वों के वर्गीकरण को आगे बढ़ाया था परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। किसने किया था? न्यूलैंड ने किया था। उसके बाद अगर बात करेंगे किसके आधार पर, आपका वो त्रिक का नियम दिया था, उन्होंने किया था। लेकिन आगे चल के परमाणु संख्या के आधार पर मेंडलीव ने जब आधुनिक आवर्त सारणी किया तो परमाणु संख्या के आधार पर उन्होंने डिनोट किया था। अगर क्वेश्चन में आधुनिक रहे तो ये अब ध्यान रखिएगा कि आपका सही आंसर क्या होने वाला है, परमाणु संख्या ही होने वाला है। क्लियर है फ्रेंड्स? आधुनिक के लिए परमाणु संख्या दी परफेक्ट। राइट, आशा फ्रेंड्स आपको क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को किसी क्वेश्चन पे अगर डाउट रह गया हो, ठीक है, किसी क्वेश्चन पे अगर डाउट हो तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, या फिर आपका लाइव चैट में अगर किया हो तो उसकी भी आंसर मिलेगी आपको, या फिर अगर नहीं मिलती है तो आप हमें कमेंट्स जरूर करें, ग्रुप में है तो ग्रुप में भी मैसेज कर दिया करें। ठीक है, हम आपकी क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा बेटर वे से सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। एक और बात, कितने आंसर आपके सही हुए आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे अपने नेम के साथ। राइट, मैं देखना चाहता हूँ कि आपने कितने सही आंसर किया और किस तरह से आपकी प्रिपरेशन चल रही है। अगले सेशन में फ्रेंड्स मैं आपके लिए सैंपल पेपर लेने के आने वाला हूँ, इसलिए फ्रेंड्स अगला सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसलिए अगले सेशन में आप रहना ना भूले। 6 बजे अगले दिन, 6 बजे शाम के 6 बजे, याद है टाइम फ्रेंड्स। जाते जाते इस सेशन को लाइक का बटन जरूर क्लिक करते जाएंगे, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाएंगे। आप पूरी सेशन में हमारे साथ बने रहें, इसके लिए अ लॉट ऑफ थैंक्स। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। जय